नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपने पांच भौतिक राशियों या फिजिकल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल पार्ट्स थे उनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। हमने ये मान लिया है या SI सिस्टम के अंतर्गत ये सात फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उनकी डेफिनेशंस अपने पढ़ी थी, जिसमें पाँच की डेफिनेशन अब लास्ट वीडियो में कर चुके थे। दो बची है और दो अपने पास सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज बची है, पूरक राशियां या फिर अपन कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री राशियां जो है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। आज का अपना जो है वो है नंबर 6, कैंडेला। कैंडेला क्या होती है? लुमिनस इंटेंसिटी को डिटरमाइन करने का एक सिंबल है या एक यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है जैसे दो बल्ब जल रहे हैं, एक की जो ब्राइटनेस है वो कम है, एक की ज़्यादा है। तो जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा है उसकी लुमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है और जिसकी ब्राइटनेस कम है उसकी लुमिनस इंटेंसिटी कम है। तो इनको डिफाइन करना, ये कितना लुमिनस इंटेंसिटी, कितना वो ब्लर हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ये चीज़ें डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक यूनिट जो है जिसका नाम है कैंडेला। 1/6 लाख स्क्वायर मीटर का जो एरिया है, बहुत छोटा, नैरो, एकदम से छोटे से छोटा एरिया, उस एरिया से कितना रेडिएशंस निकल रहा है वो एक कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी के बराबर होगा। यानी कि मान लो ये कोई काली वस्तु है, ये कोई काली वस्तु, उसके जो एरिया है जिसको हम लोग किस कितने के बराबर बता रहे हैं, इतने के, 1/6 लाख के बराबर बता रहे हैं। इससे कितना रेडिएशंस बाहर निकल रहा है, वो रेडिएशन कितने के बराबर है? अभी एक कैंडेला के बराबर है। समझ आई बच्चों? डेफिनेशंस क्या है कि वन कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि रेडिएशंस तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ 1/6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम अंडर द प्रेशर। इतना अब ये चीज़ समझने वाली है। प्लेटिनम जो है वो एक मटेरियल है या धातु कह सकते हैं, उससे थर्मामीटर बनता है जो टेम्परेचर रीड करता है। अब प्लेटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक बिंदु है, फ्रीजिंग के तुरंत बाद जो पिघलना शुरू होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर होता है कितना बच्चों? 2046 केल्विन पर। प्लेटिनम जब लिक्विड फॉर्म में आता है वो टेम्परेचर कितना है बच्चों? 2046, ये मेल्टिंग पॉइंट है उसका। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर जो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रखेंगे वो कितना रखेंगे? प्लेटिनम के मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर रखेंगे उसका। और प्रेशर कितना रखेंगे, यानी दाब कितना रखेंगे? 101.325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की यूनिट होती है बच्चों, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सिंपल सी डेफिनेशन, एक कैंडेला प्रदीप्तन या प्रदीप्तन तीव्रता कृष्णिका के लंबवत दिशा में 1/6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया से जो उत्सर्जित होती है उसके बराबर है। रेडिएशन कितना, किस एरिया से? 1/6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया से जो रेडियस निकलता है ब्लैक बॉडी के या कृष्णिका के या काली वस्तु के, वो एक कैंडेला के बराबर है। और उस कृष्णिका को कितने टेम्परेचर पर रखें? प्लेटिनम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, प्लेटिनम जो धातु है, जो मेटल है प्लेटिनम, उसके मेल्टिंग पॉइंट होता होगा कितना? 2046 केल्विन पर इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहाँ पर उसका टेम्परेचर होना चाहिए किसका? ब्लैक बॉडी का। और प्रेशर कितना रहे उस पर? बाहर से एटमॉस्फेयर का या हवा का जिसका भी प्रेशर बना वो कितना हो? 101.325। अप्रोक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो मान है वो एक कैंडेला के बराबर होता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन इन्होंने बनाई थी। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लिख सकते हैं, वन कैंडेला इज द लुमिनस इंटेंसिटी इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ 1/6 लाख स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ ब्लैक बॉडी एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेटिनम अंडर द प्रेशर समथिंग। हिंदी मीडियम वाले, एक कैंडेला उस प्रदीप्तन या प्रदीपन तीव्रता के बराबर है जो 1/6 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली काली वस्तु से उत्सर्जित होती है, जो इतने दाब व इतने गलनांक पर स्थित हो, टेम्परेचर कितना हो? प्लेटिनम के गलनांक पर रखी हो, ये कैंडेला के बराबर है। आगे की डेफिनेशन बच्चों देखो,
आगे की डेफिनेशन देखो, एक मोल, ये तो बहुत याद रखना है बच्चों, एक मोल को दिए तो केमिस्ट्री में भी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है। एक मोल की डेफिनेशन तो हर एक बच्चे के कंठस्थ होनी चाहिए। होता क्या है कि एक मोल को स्टैंडर्ड रूप में ये बताया गया, सिंपल सा समझना, कार्बन परमाणु के बारे में आपने सबने सुन रखा है, कार्बन के बारे में सुन रखा है, परमाणु क्रमांक कितना 6, द्रव्यमान संख्या कितनी 12, रिप्रेजेंट किसे करते हैं सी से, ये कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु का अगर सबस्टेंस लें जो कार्बन से बना हुआ है और उसका द्रव्यमान कितना लें, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान कितना लें, मास कितना लें, 0.012 किलोग्राम, इतना किलोग्राम सबस्टेंस लें तो उसमें जितने परमाणु होंगे उन परमाणुओं की संख्या एक मोल के बराबर होगी। या ये कह सकते हो कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान इतना लें और उसमें कितने कार्बन के परमाणु आए वो एक मोल के बराबर है। और एक मोल जो होता है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, अवोगाद्रो। अवोगाद्रो एक साइंटिस्ट था, उसी ने ये कैलकुलेशन दी थी। उसका मान 6.02 × 10³³ प्रति ग्राम मोल के बराबर होता है इसका मान। समझ आई बच्चों, फिर सुन लो, कार्बन 12 जो है उसका 0.012 किलोग्राम मटेरियल लो, सब्सटेंस लो, और उसमें कितने एटम है, कितने मोल्यू, कितने एटम है, परमाणु है, वो एक मोल के बराबर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बन गई, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो कार्बन परमाणु के 0.01 किलोग्राम अवयवों के या उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ठीक, डेफिनेशन क्या बन गई, इसकी डेफिनेशन क्या बन गई बच्चों, ये पहले से मैंने लिख के इसलिए रख रखी है कि समय कम लगे, वरना ये डेफिनेशन लिखने पढ़ने ये बताने में समय बढ़ जाता है, वीडियो की क्वांटिटी बढ़ जाती है बच्चों, टाइम बढ़ जाता है वीडियो का, अपने को शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में इसको पढ़ना है लिखना है। चलो, एक मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें पदार्थ के मूल अवयवों की संख्या, जो भी आप पदार्थ लो उसमें जो एलिमेंट जो है जिसका भी बना हुआ है, जैसे ये मान लो ये कपड़ा है, कपड़ा जिस भी मटेरियल से बना है, जिस एटम और मॉलिक्यूल से बना है, तो उसमें कितने अवयव होने चाहिए, उसके कितने मूल रूट्स होने चाहिए, उसकी संख्या बताइए इसने, मूल अवयवों की संख्या उतनी हो जितनी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में होती है। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। और जिसका मान कितना है, देखो, जिसका मान Na बराबर पैर में A, छोटा सा A फॉर अवोगाद्रो, N फॉर नंबर, नंबर ऑफ अवोगाद्रो कितना होता है, याद रखना है सबको बच्चों, डेफिनेशन तो विशेष करिए एक मोल की डेफिनेशन, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट में होती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में। 0.02 × 10²³ प्रति ग्राम मोल, या प्रति मोल भी कह सकते हो, एक ही बात है, ग्राम को लगभग फिजिक्स में हम एक मोल के बराबर ही मान के चलेंगे आगे। ठीक है, अक्सर तो जो भी ग्राम में दिया जाएगा उसको हम कह देंगे लगभग ये के मोल के बराबर है। और ये भी याद रखें बच्चों, एक मोल गैस जो होती है वो STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर आयतन घेरती है, यानी कि 22.4 लीटर का जो पात्र है उसमें एक मोल गैस भरी जाती है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर या STP पर। आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें सब। तो ये तो होगी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन। अब इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं सर हमें तो नहीं लिखवाया मोल की डेफिनेशन, अरे भाई लिख दो, सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या है भाई, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस विच इज इक्वल टू द एलिमेंट्री
एलिमेंट्री इंटिटीज या इंट्रीज कह सकते हो आप, एलिमेंट्री इंट्रीज ऑफ कार्बन, सिंबल क्या होता है कार्बन का, C6H12, कार्बन 0.012 किलोग्राम। क्या डेफिनेशन बन गई बच्चों, 1 mole इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू द एलिमेंट्री इंटिटीज ऑफ कार्बन 0.02। ठीक है, एलिमेंट्री इंटिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों, एटम, क्योंकि रूट क्या होता है एलिमेंट्री, उसका पार्ट जो क्या है एटम, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सब्सटेंस बनता है। तो जो भी मूल अवयव है उनकी संख्या या उनकी जो मात्रा है वो किसके बराबर हो, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के बराबर हो। इट इज इक्वल टू द एवोगाड्रो, एवोगाड्रो AVAGADRO, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर क्या है भाई, एन इज इक्वल टू 0.02 इंटू 10^23। ठीक, नंबर है, संख्या है, ग्राम प्रति लिखो ठीक है, नहीं लिखो तो चलता है, पर मोल लिख सकते हो, लिखो तो, नहीं लिखो चलेगा। अब आगे आ जाओ, अगली अपनी डेफिनेशंस है किस किस की भाई, रेडियन और स्टेरेडियन की, रेडियन और स्टेरेडियन कौन सा है भाई, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पहला कौन सा है, रेडियन, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर ए डी से। एक रेडियन किसके बराबर होगा, सुनो बच्चों, एक रेडियन किसके बराबर, मान लो ये वृत्त है, सर्किल है, इसकी रेडियस आर है, कितनी आर है, आर है। तो किसी भी सर्कमफेरेंस में अगर आप आर्क काटो, चाप को क्रॉस करो, ये चाप है, ये आर्क है इसका, जिसको हम डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डी एस का मान अगर इसकी रेडियस के बराबर हो तो उस आर्क में बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा, कितना रेडियन होगा, 1 रेडियन, यानी कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस, सॉरी हाँ, आर्क इज इक्वल टू रेडियस हो किसी भी सर्कमफेरेंस के छोटे से पार्ट में, तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों रेडियस के बीच बनने वाला एंगल 1 रेडियन होगा। डेफिनेशन क्या बन गई बच्चों, डेफिनेशन लिखो, 1 रेडियन इज द प्लेन एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बाय एन आर्क इन लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल। 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू द प्लेन एंगल, प्लेन एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन टू प्लेन या फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ सर्किल विच आर्क इज इक्वल टू, विच इज आर्क इक्वल टू द रेडियस। ठीक, 1 रेडियन इज इक्वल टू द प्लेन एंगल विच फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्किल विच आर्क इज इक्वल टू द रेडियस। ये डायग्राम बना सकते हो आप,
आप कह सकते हो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर्क, ए आर सी, आर्क, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है भाई, डी एस अपॉन आर। सिंस डी एस तो किसके बराबर होता है आर के, तो थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया भाई, वन रेडियन के। बन गई बात, हिंदी मीडियम में लिख सकते हो वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर एक रेडियन कोण, एक रेडियन कोण उस कोण के बराबर है, उस कोण के बराबर है जहाँ 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 वृत्त पर लिए गए, लिए वृत्त पर लिए गए चाप का मान, वृत्त पर लिए गए चाप का मान उसकी त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त पर लिए गए चाप का मान उसकी त्रिज्या के बराबर हो। बाद में ये बना देना थीटा इज इक्वल टू चाप, थीटा इज इक्वल टू चाप अपॉन त्रिज्या। चाप क्या है, डी एस अपॉन आर, डी एस इज इक्वल टू तो आर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, वन रेडियन। अब कोण में बदलना चाहें, नीचे इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख देना भाई, एक रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री कोण के बराबर होता है, 57.3 डिग्री कोण के बराबर होता है। क्यों भाई, क्योंकि पाई रेडियन जो होता है ना बच्चों वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, रेडियन इजिकल टू क्या है, 180 डिग्री। तो वन रेडियन इजिकल टू क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो आप, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। पाई रेडियन का मान तो याद रखो, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री, इसका मान इसके बराबर। अब कह दो सर ये कैसे है, आपको पता है अगर मैं कह दूँ कि पाई कोण कितने बनता है, ये पूरा एक सर्किल है, बात याद रखना बच्चों, ये पूरा एक सर्किल है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी होती है 2r, एक साइड की कितनी होगी r। अगर बाय द वे आधा सर्किल बनता हो, आधा सर्किल बनता हो r ये, तो इस आधे सर्किल पर एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, कितना बनता है, 180 डिग्री। चाप का मान कितना हो जाएगा, इस चाप का मान, ds का मान कितना हो जाएगा, 2πr का आधा, क्योंकि सर्किल की पूरी सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2πr, 2πr का आधा कितना हो जाएगा, πr, ठीक है। πr में r का भाग दो, एक कोण कितना बच गया, पाई बच गया ना, सिंपल सी बात, थीटा इज इक्वल टू क्या, डी एस अपॉन r, ds का मान कितना है, πr बट्टा, इसके लिए मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ बच्चों, r कट गया, कितना रेडियन बच्चा भाई, पाई रेडियन। ये कितने कोण के लिए है बच्चों, 180 डिग्री वाले कोण के लिए, इसका मतलब पाई का मान कितने के बराबर है, 180 डिग्री के। एक पाई का मान कितना होता है, 22/7 रेडियन, जो किसके बराबर है, 180 डिग्री के। तो एक रेडियन कितने के बराबर आ गया, 180/22/7 गुणा करके देखो 57.3 डिग्री आएगा, ठीक है, ऐसे आता है, रट लो चाहिए, एक रेडियन का मान कितना, 57.3 डिग्री के बराबर, या पाई रेडियन का मान किसके बराबर, 180 के बराबर, याद रखना बच्चों। ये इधर वाला जो मैंने किया था वो कॉपी के सेमी कॉलम में ऊपर कर सकते हो आप लोग, हाफ सर्किल, अगर वैसे नहीं मानो तो ऐसे ऐसे कर लो भाई, यहाँ तो सेंटर पर कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है, 360 का मतलब 2π कोण बनता है, ये होता है सर्कमफेरेंस कितनी हो गई, टोटल इसका चाप कितना होगा, आर्क कितना हो गया, डी एस का मान कितना हो गया, 2πr हो गया। तो डी एस में अगर r का भाग देते हो तो थीटा कितना आ गया पूरे वृत्त के लिए, 2π, तो 2π का मतलब 2π रेडियन, और 2π रेडियन का मान किसके बराबर, 360 डिग्री के, तो पाई का मान किसके बराबर, 180 के बराबर। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो, तो एक रेडियन किसके बराबर आ गया, ऑटोमेटिक भाग दे के निकालोगे 57.3 डिग्री, याद रखना है इसको। तो एक रेडियन किसके बराबर है बच्चों,
एक रेडियन वृत्त के केंद्र पर बनने वाले उस कोण के बराबर है जिसकी चाप का मान वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। सिंपल सी डेफिनेशन लिखनी है ये, एक रेडियन उस कोण के मान के बराबर है जो वृत्त के केंद्र पर बनता हो जिसमें वृत्त के चाप का मान उसकी त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, एक स्टे रेडियन, एक स्टे रेडियन। अब एक स्टे रेडियन क्या है भाई? एक स्टे रेडियन का मतलब जो ये गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है? R। गोले के त्रिज्या R के बराबर, गोले के पृष्ठ पर अगर आप कोई R बाई R का एक वर्ग खींचो तो वो वर्ग यहाँ पर जितना कोण बनाएगा, ठीक है, वो कोण क्या होगा भाई? एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा का वर्ग, गोले के पृष्ठ पर लिख रहा हूँ डेफिनेशन ही, गोले के पृष्ठ पर गोले की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आर स्क्वायर, द्वारा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण एक स्टेरेडियन के बराबर होगा, एक स्टेरेडियन के बराबर होगा। ठीक है, इसे इसे ओमेगा या फिर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ये, इसको भी ओमेगा बोलते हैं बच्चों, ठोस कोण को ओमेगा बोलते हैं इसको, ये भी ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। ये कहीं सेमीकोलन में लिख दिया करो, इसको भी ओमेगा ही बोलेंगे, ओमेगा। ठीक है, इसको ठोस कोण से प्रदर्शित करने का सिंबल है। समतल कोण जो होता है उसको मापते हैं रेडियन में, समतल कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। तो ठोस कोण को किससे प्रदर्शित करेंगे? इनमें से कोई सा भी सिंबल ले लो। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट। सुनो बच्चों, ये जैसे स्फीयर है, गोला है, और इसके एक पृष्ठ पर हमने ये आर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक चाप बना लिया, ये इसके केंद्र पर कोण बना रहा है जो कितना है? एक स्टेरेडियन एस आर के बराबर है। ठीक है, ओमे का कोण बन रहा है, मिटा सकता हूँ मैं भी इसको अखबार वाले पार्ट को। ठीक है, थ्री डायमेंशनली जोकर की टोपी जो होती है ना उसके अंदर का जो कोण बनता है वो है ये एक प्रकार से। अब देखो इसका मान कितना है बच्चों, इसको क्षेत्रफल में डी ए कह सकता हूँ, एक बार डी ए क्षेत्रफल जो किसके बराबर है? आर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से त्रिज्या कितनी है? आर। ये भी कितनी है? आर। तो कोण का सूत्र क्या होता है बट्टू? चाप बट्टा त्रिज्या, यही तो होता है, चाप बट्टा त्रिज्या। तो ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर क्षेत्रफल बट्टा ये भी क्षेत्रफल, यही होगा। यस, दोनों के मान बराबर हैं,
तो किसके बराबर आ गया? एक ऐसा, क्यों भाई? क्योंकि डी ए का जो मान है ना क्षेत्र पर, वो आर स्क्वायर के बराबर ही है। छाप देना ये। अंग्रेजी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? एक स्टेरेडियन को, एक स्टेरेडियन, अंग्रेजी वन स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्पेयर, एट द सेंटर ऑफ स्पेयर बाई दैट सरफेस, बाई दैट सरफेस द स्पेयर विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, अगली बात अब आ जाती है यूनिट्स पर बेस्ड, मात्रकों से संबंधित, छोटे बड़े मात्रक क्या क्या है उनसे संबंधित बात हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपना आज का अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है मात्रक, मतलब विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक कौन कौन से हैं, सबसे छोटा मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक क्या है। इनमें अपन लोग तीन भौतिक राशियां लेके चलते हैं, एक तो द्रव्यमान लेके चलते हैं, एक समय लेके चलते हैं, एक लंबाई। सबसे पहले पहले अपन बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई में जो छोटी दूरी है, छोटी डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंसेस की जो यूनिट्स है वो कौन कौन सी है। जैसे एक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अपन सब लोग मानते ही हैं कितनी दूरी होती है। सेंटीमीटर को अपन पावर के रूप में लिखे तो 10^-2 मीटर। सेंटीमीटर को किस में लिख सकते हैं? एक सेंटीमीटर बराबर 10^-2 मीटर। एक मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब 10^-3 मीटर। एक माइक्रोमीटर, बच्चों याद रखना माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये सिंबल जो है ना ये माइक्रो का है। किसका है? माइक्रो का। यू जैसा है, एक लाइन सीधी है, एक थोड़ी टर्न की हुई है, इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर। तो एक माइक्रोमीटर में 10^-6 यानी 10^-6 मीटर होता है। वैसे ही एक नैनोमीटर, नैनो एन फॉर नैनो, नैनोमीटर, नैनो का मतलब 9, तो 10^-9। एक एंगस्ट्रम, एक के ऊपर डिग्री वाला साइन जो लगा हुआ है इसका मतलब एंगस्ट्रम, तो 1 एंगस्ट्रम का मतलब 10^-10 मीटर। ये छोटी दूरियों को जो मापते हैं, जैसे एटम की रेडियस कितनी है, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है, किसी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनकी रेडियस, इनकी साइज़ कितनी है, ये सब डिटरमाइन करने के लिए हमें स्मॉल डिस्टेंसेज के यूनिट्स चाहिए और उनमें अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि अब आप किसी परमाणु या एटम की त्रिज्या को रिप्रेजेंट करना चाहो, रेडियस को रिप्रेजेंट करना चाहो तो किलोमीटर में व्यक्त करोगे, ऐसा तो है नहीं। उनके लिए स्मॉल यूनिट्स काम में लेनी पड़ेगी। तो जैसे अपन एंगस्ट्रम ले सकते हैं, एक्सरे यूनिट भी ले सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सरे यूनिट। एक्सरे का मतलब जो एक्सरे हमारा जो है रेडिएशन, जो विकिरण है उनकी रेंज जो होती है या उनकी वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 10^-13 मीटर होती है। दूसरी हिसाब से इसको एक यूनिट बना दिया कि 1 एक्सरे यूनिट, एक एक्सरे मात्रक यूनिट का मतलब मात्रक, एक एक्सरे मात्रक बराबर 10^-13 मीटर, 10^-13 मीटर। और एक होता है फर्मी मीटर, इसको फेंटोमीटर भी बोलते हैं, 1 फर्मी मीटर या फिर 1 फेनोमीटर, इसका मतलब होता है 10^-15 मीटर। तो ये छोटे मात्रकों को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया। ये पहले से ही मैंने पूरा कर दिया, लिख दिया है ताकि समय कम लगे अपने को। सेकंड, यूनिट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरियां जो होती है, जैसे पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, दो ग्रहों के बीच दूरी कितनी है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बड़ी दूरियों के मात्रक चाहिए। जैसे अपन किलोमीटर में तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनसे भी अगर बड़ी कोई मात्रक अपन रिप्रेजेंट करें तो वो कैसे होगा? पहला ही पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, हिंदी में क्या बोलेंगे? खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में बोलते हैं AU। अब हिंदी मीडियम वाले भी इसको 1 AU बोलेंगे, ऐसे खगोलीय मात्रक का खैमा नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की जो दूरी है, सेंटर टू सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन इज कॉल्ड द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की दूरी एक खगोलीय मात्रक के बराबर होती है। हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। और इसका मान कितना होता है? 1.5
4.96 × 10^11 मीटर प्लस का ही है, याद रखें। तो 1.496 × 10^11 मीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान होता है, यानी सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी कितनी। अब आपसे कोई पूछ ले कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो आप कितना बताओगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, एक AU के बराबर। अब इसका मान कितना होता है ये भी याद रखना है, ये चीज़ें आपको सिंपली बेसिक फॉर्म के रूप में याद रखनी है, एक AU बराबर 1.496 × 10^11 मीटर। अब आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्ट पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो आपको ये तो बताना है। इसके साथ साथ मैं इसका पर्टिकुलर पूरा आंकड़ा और लिख देता हूँ बच्चों, कैसे याद रखोगे, 1495 97 910 किलोमीटर, इतनी दूरी होती है 1495 97 910 किलोमीटर। किलोमीटर को जैसे मीटर में बदलो, 910 मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 10³। एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 का मतलब 10³ मीटर में बदल दिया, तो 3 तो यहाँ है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 1.19495 97 91 10 10³ मीटर। अब इसमें एट और जोड़ दो, 3 कितने हो जाएंगे, 11, क्योंकि 1 के बाद मैंने पॉइंट लगाया था, आगे जितने भी डिजिट है उतनी पावर इसकी बढ़ा दो। अब इसका देखो राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करेंगे तो 5 का मतलब एक बन के किस में जुड़, सॉरी 9 का एक बन के किस में जुड़ जाएगा, 5 में, 5 6 तो 496, यहाँ कितना है 496। आगे वाले डिजिट अगर अपने गायब करने हैं, ये आगे वाले डिजिट, तो 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता, 0 रहता है, 9, 5 से अगर ऊपर कोई बड़ी संख्या होती है तो उसको एक मान के पास वाले में जोड़ देते हैं, तो 9 है, 9 है, 9 को एक माना तो 7 में जुड़ते ही 1 8 हो गया, 8 का वापस एक बन गया 9 में जुड़ा तो 10 बन गया, 10 का एक बना बनते ही 5 में जुड़ते 6, तो 9 4 6 राउंड ऑफ बन गया। ये अपन आगे वाले टॉपिकों में आएगा, राउंड ऑफ करना मतलब समेकित करना, उनको कम राउंड संख्या में छोटी संख्या में बदलना, दशमलव के कम बिंदुओं तक बदलने वाली संख्या। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी होती है, इतने किलोमीटर होती है बच्चों, सूर्य की पृथ्वी से दूरी इतने किलोमीटर है। इसको अगर पॉइंटों में लिखें तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, ये आप कहीं लिख सकते हो बच्चों, लिखो। तो आगे बढ़ते हैं, एक लाइट ईयर, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष का मतलब है कि सूर्य का प्रकाश निर्वात में एक साल में जितनी दूरी तय करता है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, लगभग 365 दिनों में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय कर सकता है उसको कहते हैं एक लाइट ईयर। कितनी दूरी तय करेगा, डेफिनेशन भी यही बन गई, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन वन ईयर इज कॉल्ड वन लाइट ईयर। एक लाइट ईयर का मतलब प्रकाश की दूरी की स्पीड क्या होती है, वेग क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10^8 × 365 दिन होते हैं एक साल में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक घंटे में सेकंड कितनी होती है, 3600, क्योंकि ये जो स्पीड है ना ये होती है 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड। सूर्य का प्रकाश जो है उसकी स्पीड होती है 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड, तो इस दिन को भी किस में बदलना पड़ेगा, सेकंडों में बदलना पड़ेगा। ये तो एक साल में कितने सेकंड हो गए, 365 × 24 × 3 3600, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड, एक दिन में 24 घंटे तो उसको गुणा करते सेकंड बदल गए, दिन से साल बनाया तो साल में 365 दिन होते हैं, उसको गुणा कर दिया, टोटल गुणा करते ही अपने पास एक लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस आ जाएगी बच्चों, 9.46 × 10^15 मीटर, 9.46 × 10^15 मीटर, एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। ये भी फिक्स याद रखना है, ऊपर वाली गणना अगर नहीं भी याद रखे इतना याद तो रखना है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष, ए वन लाइट ईयर कहलाता है। उसके बाद आता है पारसेक, पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है, पारसेक क्या है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, समझने वाली बात है बच्चों, पारसेक का मतलब क्या है, पारसेक किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसके चाप का मान तो कितना हो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो। मान लो ये एक चाप है, ये चाप, इस चाप की यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU के बराबर।
और यहाँ सेंटर पर कोण कितना बनता हो, एक सेकंड, याद रखने कोण जो होता है ना बच्चों वो अपन मापते हैं ज़्यादातर डिग्री में, किस में मापते हैं डिग्री में, एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, एक डंडा लगाओ इसका मतलब मिनट, और एक मिनट में होता है 60 सेकंड, कोण का सबसे छोटा भाग क्या है भाई सेकंड, टाइम वाले जैसा ही पार्ट है इसका, लेकिन इसको कोण के रूप में, जैसे एक डिग्री का कोण बनता है, मान लो ये एक डिग्री का कोण बना तो इसको 60 भागों में बनो डिवाइड करो, तो 60 भागों में डिवाइड करेंगे तो एक भाग कितना हो जाएगा एक मिनट का, और एक मिनट वाला जो कोण बन रहा है इसको 60 भागों में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भाग किसके बराबर होगा एक सेकंड के, दो डंडे ऊपर लगे हुए इसको बोल देंगे सेकंड, तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, यानी कि एक सेकंड का कोण बने किसके बीच में, इस चाप पर, सेंटर पर, सेंटर पर बनने वाला कोण कितना हो एक सेकंड का, चाप की दूरी कितनी हो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या जो है, रेडियस जो है आर, वो किसके बराबर आएगा एक पारसेक के, शॉर्ट में लिखते हैं पीसी, जो रेडियस किसके बराबर होगी एक पारसेक के बराबर, तो देखो क्या परिभाषा बन गई बच्चों, समझ में आया होगा आपके, यानी कि कोई भी चाप जो है उसकी दूरी अगर आप लोग, चाप की दूरी आप लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर लें और सेंटर पर बनने वाला कोण एक सेकंड लें, ध्यान रखें एक सेकंड, तो त्रिज्या जो है वो एक पारसेक के बराबर होगी, आपसे कह दे भाई एक सेकंड का मतलब कितना डिग्री है, एक सेकंड का मतलब 1/60 मिनट, और 1/60 मिनट का मतलब 1/60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा डिग्री में, बात समझ में आ रही है आपके, एक सेकंड का मतलब 1/3600, 60 × 60 का मतलब 3600, 3600 1/ डिग्री, एक सेकंड में इतना डिग्री कोण होता है, तो इसको डिग्री में बदल सकते हैं अपने, और ये भी याद रखना है अपने को इसको रेडियन में भी बदलना पड़ेगा लास्ट में, क्योंकि पाई रेडियन का मान, पाई रेडियन का मान कितना होता है, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री, तो एक रेडियन का मान 180/π होता है, ये एक रेडियन है, अब मैं डिग्री की बात करूँ तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर पाई बटा 180, एक डिग्री बराबर, याद रखें ये, मुझे तो चाहिए 1/3600 डिग्री में कितना रेडियन है, 1/3600 डिग्री में, तो पाई बटा 180 से 1/3600 को गुणा कर देंगे तो इतना डिग्री कोण बन गया, इतना रेडियन कोण बन गया, समझ में आ रही बात, ये काम आएगा इसीलिए मैं पहले से समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा साइड में, अब सुनो पारसेक पे आते हैं, पारसेक यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, एक एयू चाप, सुनना डेफिनेशन, एक एयू चाप तथा एक सेकंड, लिखा भी है मैंने एक सेकंड कोण बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या का, वृत्त की त्रिज्या एक पारसेक कहलाता है, वृत्त की त्रिज्या एक पारसेक कहलाता है, एक एयू चाप तथा एक सेकंड कोण बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या एक पारसेक कहलाती है, त्रिज्या का सूत्र क्या होता है चाप बटा कोण, क्या होता है चाप बटा कोण, यानी आर का पोन रेडियस, अंग्रेजी मीडियम वाले ए आर सी आर का पोन एंगल, तो आप इंग्लिश मीडियम में क्या लिख सकते हो रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 1 पारसेक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 पारसेक, If it have 1 second angle formed on center of it and arc is 1 AU, लिख सकते हो रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 1 पारसेक इफ इट हैव 1 second एंगल, इसको सेकंड बोलेंगे बच्चों, फॉर्म्ड ऑन द सेंटर ऑफ इट एंड ARC आर्क इज कितना होगा 1 AU, तो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी 1 पारसेक के, आगे बात समझ में, लिख दिया, आगे बढ़ते हैं बच्चों,
मैंने ये वापस वही बनाया। ये जो चाप जो है या आर्क जो है ये किसके बराबर है, 1 AU के। त्रिज्या किसके बराबर है, रेडियस जिसको कहते हैं आर, 1 पारसेक के। शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, 1 PC। एंगल कितना बन रहा है, थीटा का मान 1 सेकंड। तो आर बराबर ds अपॉन थीटा, ds का मान कितना है, ds मतलब चाप, 1 AU बटा 1 सेकंड। अब देखो 1 सेकंड को 1/3600 डिग्री लिखेंगे। अब थीटा का मान रेडियन में क्या आ जाएगा, 1/3600 × π/180। मैंने कहा था अभी काम में लिया है अपन ने, डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई में 180 का भाग देके गुणा कर दो। तो त्रिज्या आर बराबर 1 AU पढ़ाई था, बट्टा में क्या आ गया, पाई बट्टा समथिंग 3600 × 180। ये ऊपर चला जाएगा सारा, ये गुणा करो, 1 AU का मान रखो। 1 AU का मान कितना था बच्चों, 1 AU का मान याद है क्या, 1.496 × 10⁻¹ⁱ। यहाँ 1.496 × 10⁻¹ⁱ आगे वाला ये मान 22 का भाग दोगे तो आ जाएगा 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर। ये दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। के मात्रक पढ़ेंगे अगले वाला, द्रव्यमान के मात्रक, द्रव्यमान के मात्रक। इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा दो ही पढ़ लेते हैं। छोटे में आप लोग जैसे ग्राम में पढ़ते हो, यही है मिलीग्राम, ऐसे आगे से करते जाते हैं, नैनोग्रामर, माइक्रोग्रामर, फेमटोर, जो आप लिखना चाहो। लेकिन सिंपली अपन लोग छोटे छोटा रूप जो किसका लेते हैं, ग्राम के रूप में लेते हैं। और सबसे बड़े से बड़ा जो मात्रक होता है वो होता है चंद्रशेखर लिमिट, CSL बोलते हैं उसको, द्रव्यमान का मात्रक। 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, क्विंटल लिख सकते हो, मिलीग्राम लिख सकते हो, ये सारे मान हैं। जैसे 1 मिलीग्राम, मिली का मतलब 10⁻³, और फिर ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलो, 10⁻³ ग्राम को 10⁻³, फिर ये केजी में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल। 1 मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻⁶ kg। आगे बात समझे, 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होता है। ऐसे ही सबसे बड़े से बड़ा मात्रक होता है चंद्रशेखर लिमिट। एक एटॉमिक मास और पढ़ लो, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में AMU कहते हैं, ज़्यादातर यूज आएगा ये। इसका मान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। एक एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अंग्रेजी वाले, हिंदी मीडियम वाले भी अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दो ये चीज़ें, तो छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU का मान होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। आगे देखो, चंद्रशेखर, 1 चंद्रशेखर सीमा, शॉर्ट में लिखते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट, अंग्रेजी में बोलते चंद्रशेखर लिमिट। ये सूर्य के द्रव्यमान का, ये सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना होता है बच्चों, इसका मान होता है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। कितना मान होता है, 1.4 टाइम्स ऑफ
सन मास सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है। तो एक सी एस एल का पूरा मान कितना हो जाएगा? एक सी एस एल का मान होगा बच्चों 2.8 × 10³⁰। 2.8 × 10³⁰ किलोग्राम। अब सोच लो आप सूर्य का द्रव्यमान निकाल सकते हो, 1.4 का भाग दे देना तो कितना आ जाएगा? लगभग 2 × 10³⁰ किलोग्राम। ऑर्डर ज़्यादा याद रखनी ज़रूरी है बच्चों, 10³⁰ किलोग्राम, इतना सूर्य का द्रव्यमान होता है। यहाँ आप क्या लिख सकते हो? मास ऑफ यूनिट, अंग्रेजी वाले। आगे बढ़ते हैं, टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक। समय के मात्रक में वही सबसे बड़ा मात्रक, सबसे छोटा, महीना क्या है, साल क्या है, ये चीज़ें दो तीन बातें लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ टाइम, तीन नंबर बात, समय का मात्रक, समय का मात्रक। आप कह दो एक साल, वन ईयर, वन शोर ईयर भी कह सकते हो, ठीक है। क्या होता है भाई? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय। पृथ्वी द्वारा, सबको पता है ये बच्चों, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय एक साल कहलाता है। एक साल कहलाता है। यह 365.4 या 1/4 दिन होता है, ठीक है। यह 365 सही, 1/4.4 कह दो, सही 1/4 कह दो, ठीक है, दिन में होता है, ठीक है। अंग्रेजी वाले क्या लिख सकते हैं? द टाइम टेकन बाई अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज़ कॉल्ड वन ईयर। चलो आगे की बात करते हैं। इसमें और लूनार मंथ भी होता है, लूनर मंथ, चंद्रमास। चंद्रमास का मतलब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय चंद्रमास कहलाता है। और एक लूनर में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्र लगाने में लगा समय एक चंद्रमास कहलाता है। चंद्रमास कहलाता है। अब देखो, द टाइम टेकन बाय मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, द टाइम टेकन बाय मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड लूनर मंथ, चंद्रमास कहलाता है। तो वन लूनर मंथ इज इक्वल टू होता है 27.3 दिन। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर पूरा करता है? 27.3 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। और तो सब पता ही है भाई, एक दिन में कितना 24 घंटे और एक घंटे में 60
मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। अब समय का सबसे छोटा मात्रक याद रखो, समय का सबसे छोटा मात्रक होता है सेक। क्या होता है बच्चों? सेक, 1 सेक, सेक। सेक समय का सबसे छोटा मात्रक होता है, छोटा मात्रक होता है। आपसे पूछा जा सकता है समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है, तो समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है बच्चों? सेक। तो एक SHAKE लिख दो, पूरा बेटर रहेगा।